जितना नुकसान मुगल आक्रमणकारियों ने 800 साल में नहीं किया, उतना नुकसान अंग्रेजों ने 200 साल में कर दिया। और जितना नुकसान अंग्रेजों ने 200 साल में नहीं किया, उससे ज्यादा नुकसान इन काले अंग्रेजों ने 70 साल में कर दिया। आपको शायद जानकारी न हो, बता दूं कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो उस समय इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS IPS शुरू हुए थे, और उस समय अधिकतर जो ऑफिसर होते थे वो अंग्रेज होते थे। ब्रिटेन में एक नियम था कि जो भी कोई अंग्रेज इंडिया में, भारत में प्रशासनिक अधिकारी रहकर आया है, IAS IPS की सर्विस काट कर आया है, उसे ब्रिटेन में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक लेवल पर कोई भी पोस्ट नहीं दी जाती थी। हैरान होंगे जानकर, लेकिन ये सच है। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उस अंग्रेज की सोच होती थी, ब्रिटेन के ये मानते थे लोग, कि उस अंग्रेज की ये सोच होती थी कि उसकी सोच अब शोषण करने की, अत्याचार करने की है, और वो जैसे भारत में रहकर एक IAS की तरह रहकर उसकी, भारत की जनता पर जो अत्याचार शोषण करता था, अगर हमने ब्रिटेन में यहीं पर आकर उसे भी ये पोस्ट दे दी तो वो ब्रिटेन की जनता पर भी ऐसे ही करेगा। आप सोच सकते हैं, वो गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके नियम कायदे कानून वही हैं। भारत का संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की काफी मिलती जुलती सूरत का है। ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कुछ बदलाव तो हुए हैं, लेकिन मूल चूल परिवर्तन अभी भी होना बाकी है, और ये अभी चल रहे हैं जो कि तो जैसे अंग्रेज छोड़कर गए थे। इसका मतलब जो IAS IPS लेवल पर जो सुविधाएं, जो पावर ताकत उन अंग्रेजों को थी शोषण अत्याचार करने के लिए, वो आज भी चल रही है। हालांकि सभी अधिकारी एक जैसे नहीं होते, एक हाथ की पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं होती, लेकिन फिर भी इनके पास जो अत्यधिक पावर है उसका नजारा सामने आया है। और ये तो इसलिए आ गया कि किसी ने इन्वेस्टिगेशन कर ली और किसी ने जो है वीडियो बना ली, वो वायरल हो गई। आजकल ट्वीट वगैरह चलते रहते हैं, वो ट्रेंड में आ गया, तो जो है पोस्टिंग वोस्टिंग चेंज हो गई, बाकी इससे ज्यादा कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। साहब अपनी मैडम के साथ कुत्ते को घुमा रहे थे उस स्टेडियम में जहां पर बच्चे ओलंपिक के लिए, कॉमनवेल्थ गेम के लिए, एशियन गेम्स के लिए मेडल की तैयारी करते हैं, और जो वो लोग जीतने के बाद, यहाँ पर आने के बाद लोग फिर सरकार और नेता अपनी छाती चौड़ी करके कहते हैं कि हमारे देश के लड़कों ने, लड़कियों ने गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 7 बजे के बाद उन्हीं खिलाड़ियों को कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए अलाउड नहीं था, क्योंकि साहब अपनी मैडम के साथ कुत्ता घुमा रहे। चलो कुत्ता ही घुमा रहे थे, अगर गाय को घुमा रहे होते तो एक और विवाद खड़ा हो जाता, लेकिन फिर भी विवाद तो है ही। अब इतनी पावर इन्हें दे दी गई है, हुआ क्या? पोस्टिंग इधर से उठाकर उधर कर दी। ना तो उसकी सोच में बदलाव आएगा, ना उसे जो ताकत का नशा है उसके बारे में कुछ पता चलेगा। क्यों? क्योंकि अभी कार्रवाई चल रही है, और हो सकता है कि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन में आर्यन खान को अब बरी कर दिया है कोर्ट ने, क्लीन चिट दे दी है, उसी तरीके से साहब को भी मिल जाए। मिल ही जाएगी, तंत्र और सारा सिस्टम इन्हीं का है। लेकिन फिर भी इतना जरूर है कि ये जो ताकत है, ये जो पावर है, ये कहीं ना कहीं एक कंट्रोल होनी चाहिए, एक दायरा होना चाहिए, और जो मूल चूल परिवर्तन जो जरूरी हैं, जो होने चाहिए, जो अंग्रेजों के समय से चलते आ रहे हैं, जो परिवर्तन होने चाहिए थे आज से 70 साल पहले, उनकी कभी आवाज नहीं उठेगी आपको, क्योंकि एक लॉबी है, बहुत स्ट्रांग लॉबी है। वो नहीं चाहती कि इनके अधिकारों में, इनकी ताकत में, इनकी पावर में कोई भी कमी आए। धीरे 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 ये अपने हिसाब से उसे बढ़ा भी रहे हैं समय समय पर, लेकिन विवाद अब ठंडा पड़ जाएगा, मामला अब कार्रवाई में चला जाएगा। ठीक है, यही बहुत बड़ी बात है कि साहब को यहां से उठाकर लद्दाख भेज दिया, लेकिन क्या लद्दाख में कोई लोग नहीं रहते? क्या उनके कोई अधिकार नहीं है? क्या वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं है? क्या वहां पर कोई ऐसा पार्क नहीं है जहां नौजवान दौड़ लगाते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, या महिलाएं घूमती होंगी? कुत्ता है, यहां से उठकर लद्दाख चला जाएगा, वहां पर भी घुमाया जाएगा। ये सब चलता रहेगा कि जब तक उन काले कानूनों को जो गोरे अंग्रेज छोड़कर गए थे,
उसको ये काले अंग्रेज बदल न दें। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।